हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीके जीएस। दोस्तों मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष, और आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था से पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, आप किसी भी स्टेट पीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवेज के दे रहे हो, एसआई का दे रहे हो, व्हाट एवर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पर अगर जीके जीएस पूछता है तो इस टॉपिक से प्रश्न रहता ही रहता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट से लेकर के ट्वेल्थ तक की पूरी पंचवर्षीय योजना को, उसके हर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ, और चलेंगे हम लोग 1951 से लेकर के 2017 तक की पूरी कहानी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें, और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि कोई प्रश्न आपसे ना छूट सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पंचवर्षीय योजना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं 5-year plan। दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो होती थी, ये किसी भी सरकार की, अपने भारत की अगर बात करें तो भारत सरकार की एक ऐसी योजना होती थी जो अपने 5 सालों में उनको भारत के लिए क्या करना है, किस तरह से इसके संसाधनों का प्रयोग करना है, इसी को पंचवर्षीय योजना नाम दिया गया था। दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना को जानने से पहले हमें थोड़ा सा जड़ तक जाना है, और कहाँ से इसका नींव पड़ा, कैसे शुरू हुआ, उन सारे तथ्यों को जानना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्थिक नियोजन की। ये आर्थिक नियोजन क्या होता है? दोस्तों आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्य, मतलब हो गया जो पहले से हमने अपने लक्ष्य को तय कर रखा है, इसकी पूर्ति के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता से प्रयोग किया जाना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। दोस्तों हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सीमित हैं, और हम जो लक्ष्य तय किए हैं उसको भी पूरा करना है, तो किस तरह से हम इन संसाधनों का इस्तेमाल करें ताकि हमारा लक्ष्य अच्छे से पूरा हो जाए, इसी चीज को हम कहते हैं आर्थिक नियोजन, यानी एक प्लान कह सकते हो आप। दोस्तों इस आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या था? अगर हम उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक समृद्धि लाना, यानी इकोनॉमिकली हमें बेस्ट बनाना है, बेटर बनाना है। आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, जो अमीरी गरीबी समाज में होता है, इस चीज को दूर करना इसका लक्ष्य था। गरीबी का निवारण करना, जो पॉवर्टी हमारे देश में उसको समाप्त करना इसका लक्ष्य है। रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी पूरी तरीके से भारत को एक ऐसा देश बनाना जिसमें कोई ऊंच नीच, बड़ा छोटा, जैसे कोई असमानताएं दूर दूर तक ना दिखाई देती हो। ये सारे उद्देश्य थे इस आर्थिक नियोजन के। दोस्तों अगर हम आर्थिक नियोजन की बात करें तो आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव को सबसे पहले 1934 ईस्वी में डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की एक किताब आई थी, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें देखने को मिला था। इस किताब में 10 वर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा गया था कि हम एक बार में 10 वर्षों का प्लान तय करेंगे जिसके रिगार्डिंग हम देश को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहली बार इस नियोजन का प्रस्ताव कहाँ मिलता है दोस्तों? तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। कभी कभी तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, या ये किनकी रचना है? तो याद रखना, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की रचना है द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके बाद दोस्तों 1934 के बाद थोड़ी सी डिमांड तेज होती है, और अखिल भारतीय कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से हमने एक विस्तार टॉपिक आपको पढ़ा रखा है, उसमें चर्चा होती है, और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस आर्थिक नियोजन की मांग तेज हो जाती है। इसी बीच दोस्तों 1944 में एक बहुत बड़ा इवेंट आता है जो इसको एक नया दिशा देता है, वो है बंबई योजना, या बंबई प्लान भी आप कह सकते हो। दोस्तों मुंबई के कुछ उद्योगपति, कुल 8 उद्योगपति थे, इन्होंने मिलकर के ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लाया था, जिसे हम बंबई प्लान के नाम से जानते हैं। इसमें इंडिया को कैसे हम इकोनॉमिकली डेवलप करें, इसके बारे में इन्होंने कुछ योजनाएं बताई थी, और इस प्लान में इन्होंने 15 वर्षीय योजना का एक प्रारूप तैयार किया था, बस इसी योजना को हम बंबई योजना के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि बंबई योजना किस वर्ष आया था? तो 1944 में आया था, और कितने उद्योगपति इसको लॉन्च किए थे? 8 उद्योगपति थे, और कितनी वर्षीय योजना का प्रारूप तय किया था इन्होंने? तो 15 वर्षीय का, ठीक है। और जो एम विश्वेश्वरैया की बुक आई थी उसमें 10 वर्षीय, तो ये दोनों याद रखना है। दोस्तों फिर 1944 में दो और योजनाओं को प्रस्तुत किया जाता है भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, जिसमें पहला है जन योजना, जो MN राय के द्वारा लाया गया था। ये एक साम्यवादी नेता थे, लेकिन यह योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। दोस्तों
फिर आया गांधी योजना, जिसे गांधीवादी नेता श्री मन्ना नारायण द्वारा लाया गया था। यह योजना भी फ्लोर पर नहीं आ पाया था। तो 1944 की ये दो योजना भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आजाद हो जाते हैं और आखिर में स्वतंत्रता के बाद आर्थिक नियोजन समिति का गठन होता है 1947 में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आप कहोगे कि भाई इससे पहले इस समिति का गठन क्यों नहीं हुआ था? तो दोस्तों, उस समय हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, है ना। तो सिर्फ हम मांग ही कर सकते थे, हम डिमांड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमें पूरा अथॉरिटी दे दी गई और हम अपने देश को अच्छा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसी का नतीजा था आर्थिक नियोजन समिति का गठन। आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब जब इकोनॉमिक को बेटर करने की बात चल रही थी, तो इसी बीच इस आर्थिक नियोजन समिति जो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी, इसकी सिफारिश पर योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाता है 15 मार्च 1950। दोस्तों ये डेट याद रखना, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण डेट है दोस्त। क्वेश्चन पूछ देता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। किसके रिकमेंडेशन पर दोस्तों? तो आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर। हालांकि अभी योजना आयोग काम नहीं कर रही, इसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं, क्योंकि यहीं से नींव पड़ती है 5 ईयर प्लान्स की। दोस्तों इसी बीच 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना भी प्रस्तुत की गई थी। यह प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है कि सर्वोदय योजना को कौन प्रस्तुत किया था या कौन बनाया था, कौन ड्राफ्ट तैयार किया था इसका? तो जयप्रकाश नारायण, जिसको हम शॉर्ट में जेपी के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप इतना चीज आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग योजना आयोग, आखिर ये क्या था, क्यों बनाया गया था। दोस्तों योजना आयोग को इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो दोस्तों, इससे खासकर योजना को तैयार करने के लिए बनाया गया था। इसका गठन देखें तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। दोस्तों योजना आयोग एक गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय थी, मतलब यह एक एडवाइजरी बॉडी कह सकते हो, केवल सलाह देने के लिए बनाई गई थी। और इसका वर्णन संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं किया गया, जिसका वर्णन किसी आर्टिकल में नहीं किया जाता है दोस्तों, उसको हम गैर सांविधिक संस्थान के नाम से जानते हैं, या आप इसे गैर संवैधानिक भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये केवल एडवाइजरी कमिटी के तौर पर बनाई गई थी। अगर हम बात करें योजना आयोग के अध्यक्ष, तो ये फिक्स्ड कर दिया गया था, प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे, यानी आप पदेन कह सकते हो, एक्स ऑफिसियो पद बना दिया गया था। वहीं अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष बने थे, क्योंकि ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो ये गुलजारी लाल नंदा बने थे। दोस्तों उपाध्यक्ष के लिए किसी भी पद को रिकमेंड नहीं किया गया था और कोई इसकी क्राइटेरिया तय नहीं की गई थी, ठीक है। योजना आयोग का दोस्तों अब अंत कर दिया गया है 2015 में 1 जनवरी को। क्यों किया गया? क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और उन्होंने इस आयोग को, इस कमीशन को खत्म करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर तत्कालिक एनडीए सरकार ने क्या किया, नीति आयोग की शुरुआत की है। दोस्तों अगर हम योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी अंतिम अध्यक्ष बने थे, और अंतिम उपाध्यक्ष की बात करें तो मोंटेक सिंह अहुवालिया ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष के तौर पे कार्य कर रहे थे। अब चलते हैं दोस्तों आगे, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसकी कहानी अगर आप देखो, तो जब देश को डेवलप करने की योजनाएं बनाई जा रही थी, तो उस समय योजना बनाने के लिए तो हमने योजना आयोग का गठन कर दिया, लेकिन ये योजना सही है, ये किस तरह से वर्क करने वाला है, सही से काम होगा कि नहीं, इसको अप्रूवल देने के लिए और इसको अंतिम स्वीकृति देने के लिए सरकार ने एक और गैर संवैधानिक एक परिषद की शुरुआत की, जिसे हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। इसका फुल फॉर्म दोस्तों देख लो यहाँ पर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। और एनडीसी को भारत का सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से कि किसे भारत का सुपर कैबिनेट कहा गया है, तो एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। दोस्तों इसका गठन अगर देखें तो 6 अगस्त 1952 को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। इसके भी अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हम सदस्यों की बात करें, एनडीसी के सदस्य कौन होंगे, तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और योजना आयोग के जितने भी सदस्य होंगे, ये सब के सब राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होंगे।
दोस्तों अगर हम इसके कार्य की बात करें तो ये पॉइंट कई बार महत्वपूर्ण, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है, तो उसका जवाब होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, जब योजना आयोग समाप्त हुआ तो बना नीति आयोग। अगर हम नीति आयोग की बात करें दोस्तों, तो नीति को NITI लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को, ये ईयर डेट याद रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर कर दी गई थी। इसके भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, एकदम पदेन फिक्स्ड है, ये नहीं चेंज होंगे। और इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी, ये VBI बना लो। यहां पर धोखा होता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि ऑप्शन में प्रेसिडेंट भी मिल जाता है, तो लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कौन ना करता है नियुक्ति? प्रधानमंत्री करता है। इसमें एक और पद बनाया गया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको CEO कहते हैं। ये जो होगा, ये भारत सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। याद रखना है, CEO की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें नीति आयोग के, तो नरेंद्र मोदी जी है। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, याद रखना है। प्रथम CEO देखे तो सिंधु श्री कुल्लर है। वर्तमान उपाध्यक्ष देखे तो राजीव कुमार जी हैं, और वर्तमान CEO देखे तो अमिताभ कांत है। दोस्तों ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, इतने नाम VVI करके याद कर लो, एग्जामिनेशन में एक ना एक पूछता ही रहता है, ठीक है। अब चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना, जो हमारी टॉपिक थी अभी तक, जो हम लोगों ने पढ़ा ये पंचवर्षीय योजना क्यों बना, कैसे आया, कौन बनाता था, कौन इसको स्वीकृत करता था, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ला। अब चलो पंचवर्षीय योजना जो है, 5 ईयर प्लान, ये कब से कब तक आया, कितने आए, इस पर डिस्कस कर लें। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है। कितनी दोस्तों? 12 5-year plan कंप्लीट हो चुके हैं भारत में। और अगर हम भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को देखें, तो चलिए हम बता दें आपको एक शॉर्टली, एक इन शॉर्ट एक नज़र में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। आगे अगर हम देखें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना चली 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना चली है आपकी दोस्तों 2007 से 2012, और 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना चली है 2012 से 2017। अब आप कहोगे कि सर अभी 2020 चल रहा है, तो क्या अब पंचवर्षीय योजना काम नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल दोस्तों, पंचवर्षीय योजना को 17 में समाप्त कर दिया गया NDA गवर्नमेंट के द्वारा, और 15 वर्षीय योजना शुरू किया गया भारत के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो 12 ही पंचवर्षीय योजना है। अच्छा दोस्तों, बीच बीच में कुछ सालों का गैप आपको दिखा होगा, तो इन साल में कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती थी, या कुछ ऐसी स्थिति आ जाती थी जिससे सरकार पंचवर्षीय योजना को फॉलो नहीं कर पाती थी, तो उसके लिए सरकार क्या करती थी कि बीच बीच में 7 वार्षिक योजनाएं चलाई हैं। 2012 तक की कहानी को देखें अगर हम, तो पहली वार्षिक योजना चली थी 1966 से 67, जो एक एक साल का चलता था दोस्तों, ठीक है। दूसरी 67 से 68, तीसरी 1968 से 69, चौथी 1978 से 79, और पांचवी 1979 से 80, छठी 1990 से 91, और सातवीं 1991 से 92। दोस्तों ये डेट तो नहीं पूछता है आपसे एग्जाम में, लेकिन आपसे यह जरूर पूछ देगा कि अब तक कितनी बार वार्षिक योजनाएं चलाई गई हैं, तो 7 बार। कितनी बार चलाई गई हैं? 7 बार। अगर हम देखें तो इस बीच दोस्तों, जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1978 में, तो पहला बार ये गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो इन्होंने क्या किया कि जो प्लानिंग कमीशन चल रही थी कांग्रेस सरकार की, उसको समाप्त करके 1978 से 83 के बीच में इन्होंने एक रोलिंग प्लान चलाया, जिसको हम अनवरत योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1983 तो कंप्लीट नहीं कर पाई है सरकार। 1980 में ही भारत में फिर से कांग्रेस की सरकार आती है, और ये जो रोलिंग प्लान है इसको समाप्त करके फिर से पंचवर्षीय योजना लागू कर दी जाती है, और ये होता है छठी पंचवर्षीय योजना। आपसे ये प्रश्न ये उठ सकता है कि जब NDA गवर्नमेंट पहली बार बनी, ठीक है, सॉरी NDA नहीं, जनता पार्टी की सरकार कह सकते हो आप, पहली बार बनी, तो बाद में फिर से जब कांग्रेस बनी तो कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना थी। चलो दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग रोलिंग प्लान के बारे में पढ़ लेते हैं। रोलिंग प्लान होता क्या है दोस्तों? रोलिंग प्लान को हिंदी में अनवरत योजना कहते हैं। इसके तहत कुछ वर्षों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जो प्रत्येक वर्ष
अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार संशोधित की जाती है, यानी उसमें आप अमेंड कर सकते थे। और इसीलिए आप कहते हो कि जो रोलिंग प्लान होता है दोस्तों, यह एक फ्लेक्सिबल प्लान होता था, एक लचीला योजनाएं होती थी जो साल में आप अपने जरूरत के हिसाब से बदल सकते थे, चेंज कर सकते थे। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो अनवरत योजना है, इसका कॉन्सेप्ट किस सरकार ने दिया था, तो जनता पार्टी की सरकार दी थी 1978 में। अब चलिए दोस्तों, अब शुरू होती है पंचवर्षीय योजना की ओरिजिनल क्लास। अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना, तो इसकी अवधि अगर देखो तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक। ठीक है दोस्तों, एक मैं बात बता दूं, कोई भी योजना जो सरकार शुरू करती थी, ये फाइनेंशियल ईयर जो होता था सरकार का, 1 अप्रैल से शुरू होता था और 31 मार्च को जाकर के समाप्त होता है। ठीक है, तो ये डेट आप मेंशन करते रहना है दिमाग में, ईयर बस ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, ये हैरोड डॉमर मॉडल पर बेस्ड था। हैरोड डॉमर जो है, ये काफी चर्चा, काफी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इन्होंने इसके मॉडल को बनाया था। इसके उद्देश्य रखे गए थे, चूंकि हम उस समय गुलाम थे और हमने पहली बार देश को डेवलप करने का कोई प्लान बनाया था, तो सबसे पहले तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको संतुलित किया जाए और इसके लिए कुछ प्लान किया जाए। तो इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना, क्योंकि ये पहली 5 ईयर्स प्लान थी हमारी। और इसमें उच्च जो प्राथमिकता थी, सर्वोच्च जो प्रायोरिटी दी गई, वो कृषि क्षेत्र को दिया। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि कृषि आधारित देश है हमारा, तो हमारी इकोनॉमी वहीं से भी बेटर हो पाएगी, इसलिए इसमें प्राथमिकता कृषि को दी गई। विकास दर का लक्ष्य जो दोस्तों है, वो 2.1% रखा गया, और प्राप्ति देखिए तो 3.6% प्राप्ति हुई। मतलब आप कह सकते हो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना साबित हुई। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि देखने को मिला दोस्तों, 18% जो नेशनल इनकम है उसमें वृद्धि हुई 5 ईयर्स प्लान में, और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि देखने को मिला, तकरीबन 11% की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में भी देखने को मिला। सार्वजनिक उद्योग के विकास की दोस्तों इसमें उपेक्षा की गई थी, नजरअंदाज कर दिया गया था औद्योगिक क्षेत्र को, और मात्र इसमें 6% राशि ही खर्च कर दी गई थी, जिस वजह से उद्योग के क्षेत्र में इंडिया उतना डेवलप्ड नहीं हो पाया था। ठीक है, अगर हम इसके कार्यों की बात करें, तो इसमें कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया, दैट मींस कि कृषि के लिए बहुत सारी बांध बनाए गए, कुछ नदी परियोजना लाई गई है ना, जिसमें भखरा नागल बांध है, हीराकुंड बांध है, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई है। तो इस तरह से आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस करा है, तो आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। अगर हम इसकी अवधि को देखें, तो ये चली थी दोस्तों 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक। ठीक है, आप 56 से 61 भी लेके चलना, क्योंकि हर पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च पे खत्म होता है। ये जो दूसरी वाली थी, ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पे बेस्ड था। दोस्तों पीसी महालनोबिस ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर रहे अर्थशास्त्र के, और ये भारतीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है यहाँ पर सांख्यिकी संगठन कर देना है, कोलकाता के तत्कालीन निदेशक थे जब मैं ये योजना को ये ड्राफ्ट कर रहे थे। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता के ये निदेशक थे। इसका उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, समाज पे ध्यान दिया गया था, और जो गलती भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना में की थी उद्योगों को नजरअंदाज करके, उसको यहाँ पर थोड़ा सा सुधारा गया और प्राथमिकता दी गई भारी उद्योग और खनिज उद्योगों को। ठीक है, यानी भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई और कई सारे कारखाने फैक्ट्रियां की गई भारत में। विकास दर दोस्तों देखें तो 4.5% इसका विकास दर लक्ष्य रखा गया था, और प्राप्त हुआ है 4.21%, यानी आप कह सकते हो कि सफल होते होते थोड़ा सा रह गया था, एटलीस्ट इसको सफल मान सकते हो, बट पूरी लक्ष्य इन्होंने कंप्लीट नहीं करा था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, तो इस योजना में जो सार्वजनिक उद्योग जो प्रथम योजना में हमने नजरअंदाज की थी, इस गलती को सुधार दी गई और इस क्षेत्र में 24% राशि खर्च की गई है। अच्छा, पहले वाले में कितना खर्च की गई थी, 6%, कितनी प्रतिशत वृद्धि कर दी गई दोस्तों, 18%। आपसे प्रश्न पूछ जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में उद्योग क्षेत्र में कितनी प्रतिशत राशि को बढ़ा दिया गया था, तो 18% राशि। ठीक है, अगर हम इस योजना के कार्यों को देखें, तो भारत के दुर्गापुर राउरकेला भिलाई में इस्पात कारखाने लगाए गए थे, और भारत सहायता क्लब की भी स्थापना की गई थी। तो ये रही दूसरी पंचवर्षीय योजना संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। अब चलते हैं दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना की ओर। तीसरी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों अगर हम बात करें, तो इसकी अवधि कब से कब तक रही, ये काफी महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षाओं के नजरिए से अगर देखो आप, तो इसकी अवधि है दोस्तों
1961 से लेकर के 1966 के बीच में, और ये जितनी भी पंचवर्षीय योजना अभी तक आई उसमें ये सबसे ज़्यादा असफल योजना मानी जाती है, 1 से लेकर के 12 तक की सभी योजनाओं में सबसे असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी दोस्तों, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है इसके असफलता की, जिसको हम लोग देखेंगे अभी। अगर हम इसके मॉडल की बात करें दोस्तों, तो 3 लोगों ने, सैंडी चक्रवर्ती और महाल नोबिस, इन तीनों ने मिलकर के इसके मॉडल को तैयार किया था। इसका उद्देश्य दोस्तों था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः अवस्था में, जो एक सुफुर्त अवस्था होता है उसमें पहुंचना, यानी जो हमारी इकोनॉमी है हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम किसी पर डिपेंड नहीं रहने वाले हैं, ये इसका उद्देश्य था। और इसमें प्राथमिकता दोस्तों कृषि को और उद्योग को, दोनों को दिया गया था, ठीक है। चलो इस बार फिर से रिपीट कर लो, पहले वाले में जो प्राथमिकता दी गई वो दी गई कृषि को, दूसरी बारी में इस गलती को सुधार किया गया और दिया गया उद्योग धंधे को, और तीसरी वाली में इन दोनों को सुधार किया गया और दिया गया इन दोनों को प्राथमिकता। तो याद करना आसान है ना, पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा में दोनों को दिया जाता है। अगर विकास दर की बात करें तो 5.6% विकास दर तय की गई थी, लक्ष्य रखा गया था, लेकिन दोस्तों प्राप्ति हुई केवल 2.72%, कितना कम प्राप्ति हुआ, और इसलिए सबसे ज्यादा असफल योजना कहलाती है दोस्तों। इसके असफलता के कई कारण थे, सबसे महत्वपूर्ण कारणों को देखें तो पहला कारण है भारत चीन युद्ध, इसी साल हुआ था 1962 में, जिसका पूरा प्रभाव भारत की इकोनॉमिक पर पड़ गया था। दूसरे, चीन से मुकाबला ठीक ही फरियाया ही था, खत्म ही हुआ था कि भारत पाकिस्तान युद्ध चलने लगा 1965 में, ये भी इसके असफलता का एक मुख्य कारण था, और इससे लोग निपट ही रहे थे कि देश में अभूतपूर्व सूखा, जिसको ड्रॉट बोलते, सूखा पड़ गया 1966 में। इस तरह से ये 3 प्रमुख कारण है दोस्तों भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफल होने के, तो आप ये याद करना। और थर्ड वाला बहुत महत्वपूर्ण है, ये कारण वाला पार्ट पूछता है, असफलता वाला पार्ट पूछता है, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसकी एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना, हरित क्रांति की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में भारत में हुई है। तो अगर हम बात करें हरित क्रांति में, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहें तो MS स्वामीनाथन को। अगर आपसे वर्ल्ड में पूछे तो वर्ल्ड में दोस्तों कहा गया है हरित क्रांति का जनक सर नॉर्मन बॉरलॉग को। तो ये दोनों के नाम भी आप ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुके हैं दोस्तों। जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी, भारत की एक तरह से कमर टूट गई थी इकोनॉमिक में, तो फिर से होश नहीं था 5-year plan बनाने का हमारी इकोनॉमी की, तो हमने क्या किया, योजना अवकाश का यूज किया। योजना अवकाश मतलब योजना नहीं बनाएंगे हम उस दिन। और इस बीच भारत में 3 1-वर्षीय योजनाएं चलाए गए, पहला चला 1967 तक, फिर 67 से 68 तक चला दोस्तों, और फिर 68 से 69 तक चला। तो 3 1-वर्षीय योजनाएं चलाई गई इस दौरान, और इसके पीछे ये कारण भी था कि भारत पाकिस्तान संघर्ष चल रहा था, प्लस सूखा के कारण संसाधनों की बहुत कमी हो गई थी, मूल स्तर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, इसलिए इस इकोनॉमी को कंट्रोल करना काफ़ी जरूरी हो गया था दोस्तों। इस योजना अवकाश में कृषि और उद्योग के क्षेत्रों को समान रूप से प्राथमिकता दी गई, जो प्राथमिकता आप तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखे थे, इस योजना अवकाश के दौरान भी यही प्राथमिकता दी गई थी। अब चलिए दोस्तों चलते हैं चौथे पंचवर्षीय योजना में, 4th 5-year plan। इसकी अवधि देखे दोस्तों तो 1969 से 74 ईस्वी तक चला था, और इसके मॉडल जो है ये DR गॉडगिल, ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, इन्होंने इसके ड्राफ्ट को तैयार किया था। इसका उद्देश्य तय किया गया दोस्तों अस्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, मतलब हम सेल्फ जो है आत्मनिर्भर बने आर्थिक रूप से, और अस्थाई विकास हो हमारा, फ्लैक्चुएशन वाला डेवलपमेंट ना हो, ये उद्देश्य रखा गया था। और प्राथमिकता दी गई दोस्तों समाजवादी समाज की स्थापना की। विकास दर देखिए दोस्तों अगर, तो 5.7% रखा गया था, लक्ष्य प्राप्ति हो गई थी 2.05%, और इस तरह से यह योजना भी असफल रही थी, ठीक है। इस योजना में सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर दर्ज की गई, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, इसे VVI बना करके नोट कर लीजिएगा आप, कि जितनी भी पंचवर्षीय योजना चलाई गई उसमें सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर दर्ज की गई है चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसके पीछे दोस्तों कारण है ग्रीन रेवोल्यूशन, 3rd वाले में ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसका नतीजा चौथी पंचवर्षीय योजना में हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके असफलता के कारणों को देखें दोस्तों, तो देश में मौसम की प्रतिकूलता, मौसम हमारे अनुरूप नहीं था, और बांग्लादेशी शरणार्थियों का बड़ी तादाद में भारत में घुसपैठ होना, वो बहुत बड़ा कारण बना था हमारे लिए इसका असफलता, इस योजना के असफलता का, ठीक है। अगर हम इस योजना के तहत महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखें, तो इसी बीच
14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, कब किया गया दोस्तों, तो 1969 में, ठीक है, कब किया गया है, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसी योजना के दौरान इसरो की भी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख कार्य है इस योजना के दौरान। अब चलते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में, यह भी काफी महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। अगर हम इसकी अवधि को देखें तो 1974 से 1978। अब आप कहोगे कि सर नाम है पांच वर्षीय योजना, फिर ये तो चार ही साल हो रहा है 74 से 78, तो बिल्कुल दोस्तों यह एकमात्र ऐसी योजना है जिसको बीच में ही बंद कर दिया गया था। तो ये याद रखना, प्रश्न यहां से बन जाते हैं कि एकमात्र पंचवर्षीय योजना जिसको बीच में ही स्टॉप कर दिया गया वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों। इसकी मॉडल तैयार की गई थी डीपी धर के द्वारा और इसके उद्देश्य को देखें तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी, यानी गरीबी को हटाना इसका उद्देश्य रखा गया था। और प्राथमिकता देखें तो अस्थायी स्वामित्व जो है, परमानेंटली जो हमारी आर्थिक स्वामित्व है उसको अस्थायी करने का इसमें प्राथमिकता दी गई थी, जिसका नतीजा था दोस्तों 1975 में इसी योजना के तहत 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी जिसमें हम आर्थिक स्थायित्व को ले पाएं। तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम क्वेश्चन के रूप में आते हैं एग्जामिनेशन में। अगर हम लक्ष्य देखें दोस्तों तो 5.5 तैयार किया गया था जिसको बाद में संशोधन करके 4.4% कर दिया गया था और प्राप्त किया गया था 4.83%। तो एक तरह से संशोधन के बाद आप इसे सफल योजना कह सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों देखें, इसी बीच ये बीच में ही क्यों स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और ये सरकार बनी थी दोस्तों जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इन्होंने जब गवर्नमेंट में आए, जब ये लीड करने लगे तो 5 ईयर प्लान को स्टॉप कर दिया 1978 में ही, 4 साल में ही ये योजना खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने इसी बीच एक अलग तरह की योजनाओं की शुरुआत कर दी थी जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। फिलहाल देख लो दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारा या निर्धनता उन्मूलन नारा दिया गया था इसी योजना में और ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि गरीबी हटाओ नारा किस योजना में दिया गया है, तो आंसर याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। अगर हम इसके कार्यों की ओर रुख करके देखें तो पहला कार्य मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में लाया गया था, काम के बदले अनाज कार्यक्रम लाया गया था 77-78 में, अंत्योदय योजना कार्यक्रम लाया गया था 1977-78 में। तो ये तीन कार्य पांचवी पंचवर्षीय योजना की थी, इसे याद रखना है दोस्तों। जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इन्होंने 78 से 83 के बीच में इस सरकार ने रॉलिंग प्लान को लॉन्च किया था, जिसके बारे में हमने शुरू में बता दिया कि रॉलिंग प्लान एक फ्लेक्सिबल प्लान होता है जिसमें हम हर साल अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते थे। तो ये जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाया गया था, लेकिन ये 83 तक तो फिक्स कर लिए थे 5 साल की, लेकिन दुर्भाग्य से होता गया इनकी सरकार 80 में ही गिर जाती है और फिर से भारत में कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस रॉलिंग प्लान को समाप्त करके 6वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर देता है। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है कि रोलिंग प्लान की समाप्ति के बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त शुरू की गई थी, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले पंचवर्षीय योजना में, जो है हमारी 6वीं पंचवर्षीय योजना 6 5-year प्लान। इसकी अवधि की बात करें तो 1980 से लेकर के 85 के बीच में चला था और यह आधारित था आगत निर्गत मॉडल पे, है ना दोस्तों। ये मॉडल तो आज तक नहीं पूछा है, आई होप पूछेगा भी नहीं, लेकिन ध्यान में जरूर रखिएगा। उद्देश्य था दोस्तों गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना, ये उद्देश्य था इसका। और प्राथमिकता दी गई थी इसमें पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था, ठीक है, कि गरीबी को खत्म ही कर देना है, ये इसकी प्राथमिकता थी। लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 5.2% और प्राप्ति हुई थी 5.54%। यानी इस प्रकार से कह सकते हो कि यह योजना एक सक्सेसफुल योजना थी, एक सफल योजना थी दोस्तों। अगर हम इस योजना के दौरान किए गए कुछ कार्यों की बात करें जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसी योजना में सम्मिलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इन दोनों को शुरू किया गया था, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए विधि और नीतियों का प्रयोजन किया गया, ठीक है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1980 में किया गया और दोस्तों ये जो अभी कह रहे ना NREP, इसी के तहत, और ये जो आपको दिख रहा ना IRDP, इसी के तहत एक डवाकरा है ना, DWCRA डवाकरा एक स्कीम लाया गया था, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज, जिसको डवाकरा कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया था IRDP के द्वारा, इसी कार्यक्रम के द्वारा 1982-83 में दोस्तों। इसी योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था 1980 में, तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं अगले
पंचवर्षीय योजना जो है हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो इसकी अवधि को देखो तो 1985 से 90 के बीच में यह पंचवर्षीय योजना चला। इसकी उद्देश्य देखो तो कई उद्देश्य सामने आए थे इसमें, जैसे सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों को प्रभावी रूप से कम करना, जो संबंध थे ऊंच नीच का उसको खत्म करने का, देश में तकनीकी विकास को सुदृढ़ आधार तैयार करना कि हमारी टेक्निकली जो है देश अच्छा हो टेक्नोलॉजिकल लेवल में, क्षमता एवं न्याय के आधार पर सामाजिक प्रणाली को स्थापित करना, तो इस तरह के कई उद्देश्य देखने को मिले थे सातवीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों पहली बार ये वीवीआई बना लो इस पॉइंट को, पहली बार हुआ था कि किसी पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया था, ज्यादा वरीयता दी गई थी निजी क्षेत्र को सातवीं योजना में। ठीक है, अगर हम इसके लक्ष्य की देखें तो 5% इसकी लक्ष्य रखी गई थी, विकास दर की प्राप्ति होती है 6.202%। तो इस प्रकार यह एक सफल योजना आप कहेंगे इसे। दोस्तों अगर कार्यों की बात करें तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में, इसी योजना के अंतर्गत गरीबी को मापने के लिए लकड़वाला समिति का गठन किया गया था, इसी में नेहरू रोजगार योजना आया था 1989 में, इंदिरावास योजना आया था 85-86 में, नवार्ड की स्थापना की गई 1988 में। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण काम इस पंचवर्षीय योजना में किए गए थे। अब चलिए दोस्तों कुछ और बातें, बीच में फिर से जो है वार्षिक योजनाएं लाई गई 1991 और 90-91 में दो वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। दोस्तों इसके बाद आता है बारी आठवीं पंचवर्षीय योजना की, तो इस योजना में दोस्तों इसकी अवधि अगर हम देखें तो 1992 से लेकर के 97 तक यह योजना चला था, और इसके उद्देश्य की बात करें तो मानव संसाधन का विकास, ये वीवीए बना लो पहली बार जो किसी पंचवर्षीय योजना में विषय बदला गया था, उद्देश्य बदला गया था। अभी तक देख रहे हो कि इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाना है, कृषि को डेवलप करना है, उद्योग को डेवलप करना है, पहली बार मानव संसाधन के विकास पर जोर दिया गया इसमें, क्योंकि भारत का विकास तभी संभव है जब मानव विकसित तो होगा। मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स दोस्तों एक ऐसा रिसोर्स है जो किसी भी देश को फर्श से फलक पर लेके जा सकता है, तो इसमें मानव संसाधन को टारगेट किया गया और प्राथमिकता दी गई रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को, क्योंकि रोजगार होगा तो मानव का डेवलपमेंट होगा, शिक्षा होगा तो मनुष्य का डेवलपमेंट होगा, जन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मानव संसाधन हमारा विकसित होगा, तो इस पे प्राथमिकता दी गई इसको। विकास दर की बात करें तो 5.60% रखा गया लक्ष्य, और प्राप्ति हुई थी 6.7%, यानी एक तरह से देखें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना हमारी एक सफल पंचवर्षीय योजना रही है। दोस्तों अगर इस योजना में विभिन्न कार्यों को देखें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई, रोजगार आश्वासन योजना लाई गई 1993 में, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लाई गई 1997 में। तो ये तीन कार्य काफी महत्वपूर्ण है जो आठवीं योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। चलते हैं दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना, और इसकी अवधि देखें तो 1997 से 2002 तक चला था, और यह भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था, ये मॉडल एग्जाम में नहीं पूछता है। दोस्तों पहला दूसरा तीसरा ये जो तीन चार मॉडल है यही आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। उद्देश्य देखें दोस्तों तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, और इसकी अगर हम प्राथमिकता देखें तो उसमें प्राथमिकता दी गई कि बहुत विभिन्न क्षेत्रों में हमें आत्मनिर्भर बनना है, जैसे खाद्यान्नों के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी गई, विदेशी ऋण भार को कम करना है यह प्राथमिकता दी गई, और जड़ी बूटी औषधि मूल के जो पेड़ पौधे हैं उसके साथ साथ प्रकृति संसाधनों का समुचित उपयोग करना और उसकी देखभाल संरक्षण सुरक्षा, यह प्राथमिकता इस योजना की थी। दोस्तों अगर हम विकास दर की बात करें तो लक्ष्य रखा गया था 6.5%, और प्राप्ति हुई थी 5.35%। तो एक तरह से यह असफल योजना मानी जाती है। दोस्तों इसके असफलता के पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर उभरा हुआ है अंतरराष्ट्रीय मंदी है ना, जो अंतरराष्ट्रीय मंदी थी वो इस समय गुजर रहा था, जिसका सीधा नतीजा भारत के इकोनॉमिक पर पड़ा था। अगर हम रोजगार अगर कार्यों की बात करें दोस्तों, इसमें कई सारी योजनाओं को डेवलप शुरू किया गया, लॉन्च किया गया, जिसमें स्वर्ण जयंती रोजगार ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में, अन्नपूर्णा योजना आई 2000 में, जनश्री बीमा योजना 2001 में, अंत्योदय अन्न योजना आया 2000 में, आश्रय बीमा योजना आया है 2001-02 में। तो इस तरह से इतनी सारी योजनाओं को लाने के बावजूद आर्थिक मंदी की चपेट में यह योजना आ जाती है और आखिर में यह असफल हो जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पंचवर्षीय योजना में, जो है हमारे पास दसवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो 2002 से लेकर 2007
तक यह चला था और इसके उद्देश्य में देखें तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना उद्देश्य था और अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना इसका उद्देश्य रखा गया था। हालांकि नहीं हो पाया बट उद्देश्य रख दिया गया था। प्राथमिकता की बात करें तो नए नए रोजगार के अवसरों को सृजन करना यह इसकी प्राथमिकता थी और कहा गया था कि इस योजना की अवधि में करीब करीब 5 करोड़ नए रोजगारों का सृजन किया जाएगा, यह लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों अगर विकास दर की बात करें तो 8% इसका विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जबकि बाद में इसको संशोधित किया गया और 7.8% रखा गया और प्राप्ति भी 7.8% कर ली गई। यानी एक तरह से आफ्टर अमेंडमेंट कह सकते हो कि यह एक सफल योजना बनी थी। और इस योजना में दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य, डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट था उसका लक्ष्य रखा गया था 7.5 अरब डॉलर का, और जनसंख्या वृद्धि दर को घटाने का प्रस्ताव लाया गया था कि हम 16.2% जनसंख्या वृद्धि दर घटा देंगे। साथ ही नदियों के प्रदूषित हिस्सों की सफाई का भी लक्ष्य रखा गया था इस योजना में। अगर हम बात करें दोस्तों कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण जो शुरू की गई थी, तो जेपी रोजगार गारंटी योजना आई थी 2002-2003 में, भारत निर्माण कार्यक्रम चला था 2005-2006 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आ गई थी 2006 में। तो इस तरह से इस योजना को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो चिंता मत करना, क्योंकि एक वीडियो में ही एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। और इसे आप पूरा देखिएगा, एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये हर एग्जाम का बैकबोन कह लीजिए, क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी अवधि 2007 से 2012 तक चला था। इसका उद्देश्य था त्रिवितम एवं समावेशी विकास। मतलब क्या होता है दोस्तों, समावेशी विकास का अर्थ है कि चारों तरफ से, है ना, चौतरफा विकास जिसको कहते हो, उसमें तीव्रता से विकास करना है हमारा। अगर हम प्राथमिकता की बात करें तो रोजगार का सृजन करना और शैक्षणिक बेरोजगारी को कम करना, यह इसका प्राथमिकता था कि जो भी पढ़े लिखे इंसान है उनको हम रोजगार देंगे। लक्ष्य में अगर देखें दोस्तों तो इसके कुछ लक्ष्य तय करते हैं, जैसे 7 करोड़ नए रोजगार के अवसरों का सृजन करना था, शैक्षणिक बेरोजगारी को 5% नीचे लाना था और देश के सभी गांवों को विद्युतीकरण करना था, बिजली पहुंचाना था इसका लक्ष्य। ठीक है, अगर विकास दर की बात करें दोस्तों तो 9% विकास दर रखा गया था और प्राप्त हुआ था 7.90%। तो आप कह सकते हो कि यह एक असफल योजना थी। साथ ही दोस्तों एक कमाल की बात हुई थी इस योजना में कि अब तक की जितनी भी योजनाएं आई उसमें सर्वाधिक जीडीपी वृद्धि दर इस योजना में दर्ज की गई थी। तो इसे वीवीआई बना लीजिए, सबसे ज्यादा जीडीपी वृद्धि दर जो है वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखी गई थी। दोस्तों अगर हम इसमें कुछ कार्यों को देखें तो आम आदमी बीमा योजना शुरू किया गया, राजीव आवास योजना की शुरुआत और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत इस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अब चलिए दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो आखिरी पंचवर्षीय योजना है हमारे देश की, अगर हम इसकी अवधि देखें तो 2012 से 2017 के बीच चला और इसके उद्देश्य थे तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। मतलब जो चौतरफा विकास रखने का लक्ष्य रखा गया था 11वीं वाले में, उसको और अधिक ज्यादा हमें डेवलप करना है, ये 12वीं का उद्देश्य था। ठीक है, प्राथमिकता देखें तो रोजगार की सृजन, गांव में विद्युतीकरण, या आप यह कह लो कि सामाजिक सेवाओं को यहाँ ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ विकास दर दोस्तों 9% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं आपको 10% भी मिलेगा, जो कहा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा 10% रखें, लेकिन वित्त मंत्री ने 9% रखा था। ठीक है, फिर से संशोधित किया गया था इसको 8.2 में, और फिर एक बार संशोधित किया गया, 8% कर दिया गया था, और फाइनली इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 8% लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई थी। और इसके कार्यों की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो योजना है वो 2013 में दोस्तों शुरू की गई थी। तो इस तरह से आपने अभी तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाओं को देखा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप ध्यान से वीडियोस को पूरा देख लीजिए, एक बार में ना समझो तो दोबारा देख लो, कोई गुनाह नहीं है दोबारा पढ़ना या ज्यादा पढ़ लेना। ठीक है, हमारा मोटो, हमारा उद्देश्य है एक एक फैक्ट से रूबरू हो जाना, जो आपका भी उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये कंप्लीट हुआ आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक, पंचवर्षीय योजना। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलना, लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।